स्वागत हो रहा है सास बहू और साजिश का के मेंशन में। और ये के मेंशन जो दिल्ली से सटे नोएडा में बसा हुआ है, वो दरअसल घर है अनुष्का रेड्डी का। जो 19 मार्च से सोनी टीवी पर आने वाली है अपने बचपन के दोस्त सिद्धांत सिन्हा के साथ प्यार की एक नई कहानी दिखाने के लिए। और इस कहानी का नाम है ये प्यार नहीं तो क्या है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दोनों एक दूसरे के बीच का कनेक्शन क्या है ये खोजने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम पलक जैन और 19 मार्च से आप मुझे अनुष्का रेड्डी के नाम से जानेंगे। और अभी आप अनुष्का के घर में हैं जो है के मेंशन। के मेरे फादर हैं कृष्णकांत रेड्डी और उन्हीं के नाम पे ये घर है। तो आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और मेरे फ्रेंड सिद्धांत सिन्हा जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं वो आए हैं यहाँ। हेलो, पता नहीं क्या करने। आई डिड नॉट इनवाइट हिम। नमस्ते। घर तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया, मतलब आपके पिताजी ने बहुत ही अच्छा बनाया। बिल्कुल, मुझे पता है बचपन से इनको मेरा घर बहुत पसंद है तो ये अपना घर छोड़ छोड़ के मेरे घर आ जाते हैं। मेरा मंदिर है, प्लीज हाथ जोड़िए। वेरी गुड, आप भी जोड़िए। अनुष्का और सिद्धांत प्यार भरी कहानी दिखाने वाले हैं तो प्यार के मायने भी बताने वाले हैं। भले ही दोनों में मतभेद हों मगर फिर भी एक बात कॉमन है और यही कॉमन बात इन्हें खुद को खोजकर एक दूसरे का बनकर रहना है। प्यार की परिभाषा मेरे हिसाब से है अनकंडीशनल लव। आपको अपनी हद खुद सेट करनी पड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका प्यार ऐसा है कि आपको कुछ ऐसी लिमिट तक लेकर जा रहा है जहाँ तक आप नहीं जाना चाहते, देन इट इज़ नॉट ट्रू लव। बिकॉज येस, लव इज समथिंग, एक इमोशन है जिसको फील, मेरे हिसाब से लव को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट इज एन इमोशन दैट इज फेल्ट फ्रॉम विद इन। आई कैन नॉट पुट लव इन टू वर्ड्स। अनुष्का का घर बहुत बड़ा है और घर में बड़े बड़े लोग भी रहते हैं और इन बड़ों को अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है क्योंकि उनके नजरिए में बच्चों में अभी भी बचपना है। हाँ, हमारे बच्चे इसमें जो एक रिश्ते में पढ़ते हैं, बचपन से साथ रहे हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा एक बात अगर हम करें तो जो गलतफहमियाँ हो जाती हैं आजकल के जेनरेशन में, और हम लोग अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है इस शो में। हम टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि बात करने से आसान लगता है एक मैसेज भेज दिया या कुछ भी, मतलब बजाय इसके कि हम कॉल कर लें या हम मिल लें एक दूसरे से, हमें आसान जो लगता है हम वो कर लेते हैं। नोएडा में शूटिंग का फायदा ये है कि यहाँ स्टूडियो का इस्तेमाल कम होगा और वास्तविक लोकेशंस भरपूर दिखेंगे। अगर कहानी भी वास्तविक होगी तो लोगों को खूब भाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस सीरियल में काम करने वाले कलाकारों को दिल्ली भाती है। कैमरामैन रवि पंचाल और जयता मित्रा सुवर्णा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।